हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं अचारी अरबी। और ये बहुत यूनिक और एक डिफरेंट रेसिपी है, प्लीज़ इसे ज़रूर ट्राई करें। इसमें डालने वाले मसाले सभी अचार वाले हैं, जैसे आधा चम्मच कलौंजी, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच मेथी दाना और आधा चम्मच सौंफ, और एक चम्मच सौंफ और आधा चम्मच अजवाइन, और बाकी ये सारे मसाले, और जिन आधा किलो उबली हुई अरबी, दो ठीक मीडियम साइज के कटे हुए टमाटर, दो हरी मिर्च, हरी मिर्च आप छोटी या लंबी जैसे मर्जी अपने हिसाब से काट सकते हैं, और अदरक के पतले लंबे लंबे कटे हुए लच्छे, और दो टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल। हाँ जी, ये सभी मसालों के साथ आपकी ये अचारी अरबी तैयार होगी। सबसे पहले कढ़ाई को गर्म करें, उसमें मस्टर्ड ऑयल डालें और तीन चार चुटकी हींग डालें जैसे ही तेल गर्म हो जाए, और एक दो सेकंड तक चलाने पे सारे मसाले उसमें डाल दें। जब आप देखें आपके मसाले पकने लग गए हैं, मसालों का आपको कैसे पता लगेगा कि अपना कलर चेंज करने लगेंगे, उसके बाद अदरक के लच्छे भी डाल दें। अब इसी प्रकार तीन से चार सेकंड तक चलाएं और अदरक के हल्के भूरे रंग होने पे होने तक उसको चलाते रहें। ये सब प्रोसेस आप मीडियम हाई फ्लेम पे करेंगे। जैसे जैसे आप देखें कि आपके अदरक के लच्छे पकने लगे हैं, तो उसके बाद हम इसमें अपनी कटी हुई हरी मिर्च और टमाटर डालेंगे। ये देखिए, जिस तरह से मैं पका रही हूँ, ये देखिए आप चेक करिए, ये देखिए पक गया है। हाँ, ये एग्जैक्ट वैसे ही पका है जैसे चाहिए। अब टमाटर और हरी मिर्च मैंने मिक्स कर दिया है। अब इसे और तीन चार सेकंड तक चलाने के बाद इसमें मैं सभी अपने मसाले डाल दूंगी। कौन से मसाले? जो आम हम हर सब्जी के अंदर डालते हैं, जैसे हल्दी, नमक, मिर्च और हाँ। अब अपनी गैस थोड़ी सिम कर दें, और अब सभी मसाले 1/4 टेबल स्पून लाल मिर्च और सूखा धनिया और नमक स्वाद अनुसार और हल्दी, हल्दी और मिर्च, और ये मसाले सभी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी इसको बढ़ा और कम कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा ज़्यादा तीखा खाते हैं तो थोड़ी और मिर्च डाल दें, और नमक कम खाते हैं तो थोड़ा नमक कम कर सकते हैं। अब इसके बाद इनको पकने दें और थोड़ी देर के लिए इसको ढक कर सिम पे पकाएं, और मसाला तब तक पकाएंगे हम जब तक ये अपना ऑयल सेपरेट नहीं कर देगा। तब तक हम साथ में अपनी अरबी जो हमने बॉयल करके रखी थी इसको छील लेते हैं। देखिए फ्रेंड, जैसे तरह से मैं एक छील रही हूँ, इसी तरह से आप छीलें इसको। अगर किसी, कई लोगों को ना अरबी से ना एलर्जी होती है हाथों में, तो आप उससे छीलने से पहले थोड़ा सा हाथ में ना तेल लगा लें, वो बेटर रहेगा। वो तो कईयों को एलर्जी होती है, उससे वो बच सकते हैं। देखिए फ्रेंड, जिस तरह से मैं ये काट रही हूँ, एक अरबी के आप चार टुकड़े करें। वैसे कोशिश करें कि अरबी के जो पीसीज हो वो मोटे मोटे हों, तो वो अरबी, और अरबी को बॉईल करने के लिए हमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम सिर्फ दो सीटी दिलवानी है कुकर की, बस। देखिए ऐसे फ्रेंड, अब मैं मसाले को एक बार हिला रही हूँ, साथ साथ अपने मसाले को भी चलाते रहें ताकि वो एक जगह लग के सड़ ना जाए। ये देखिए फ्रेंड, अभी भी मुझे लग रहा है थोड़ा सा अभी और कमी है, अभी टमाटर प्रॉपर तरह से नहीं गले, तो इसको और मैं 5-6 सेकंड तक इसको और पकने दूंगी। तब तक मैं अभी सारी अरबी छिल कर काट लूंगी। ये देखिए फ्रेंड, अब मेरा मसाला जो है प्रॉपर पक गया है। जैसे आप देख रहे हैं, उसने बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सारे मसाले अपने में मिक्स कर लिए हैं। तो अब मैं अपनी कटी हुई अरबी सारी इसमें मिक्स कर दूंगी, और अच्छी तरह हल्के हाथों से। याद रखिए फ्रेंड्स, ये उबली हुई अरबी है, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुकी है, आलू से ज़्यादा सॉफ्ट है, तो इसको बहुत हल्के हाथों से मिक्स करना है। हल्का सा एक मिक्स देके अब इसको लास्ट में हमने आधा चम्मच इसमें अमचूर पाउडर डालना है। अमचूर पाउडर क्या होता है फ्रेंड, जो हमारा जो सूखी हुई अम्बी होती है उसी का पाउडर होता है, जो मार्केट में बहुत आसानी से अवेलेबल होता है, तो इसको लास्ट में डाल दें, जिससे हल्का सा टैंगी सा टेस्ट आ जाएगा, जो हमारी सब्जी में और इसके फ्लेवर को और एनहांस करता है। बस ये मेरी अरबी रेडी हो गई। आप अगर चाहें तो कटा हुआ हरा धनिया डाल के इसको गार्निश कर सकते हैं। बस मेरी सब्जी रेडी। और यस फ्रेंड, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।